हेलो गाइस, मेरा नाम है करण। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन रिएक्ट करने वाले हैं वर्ल्ड कप स्पेशल। क्या इंडिया सेमीफाइनल जाएगी क्या नहीं, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं आप वर्ल्ड कप स्पेशल रणतंत्र, और वक्त आ गया है कि हमारी गाड़ी सेमीफाइनल की तरफ कूच करे। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब अपने ग्रुप को देखकर एक ही बात लग रही थी कि अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो सेमीफाइनल में जाने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन बारिश की वजह से साउथ अफ्रीका का मैच धुल जाने से और जिम्बाब्वे के साथ नकली मिस्टर बीन का फ्रॉड करने की वजह से पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है। इसलिए आज होने वाले साउथ अफ्रीका के मैच में हमारे ऊपर शायद बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो। लेकिन याद रखिए कि अभी भी इस ग्रुप की कोई भी टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं है, नीदरलैंड्स भी नहीं। थोड़ी भी सावधानी हटी और हमारे लिए दुर्घटना घटी साबित हो सकती है। इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा, और टीम इंडिया भी रिस्क नहीं लेगी। फिलहाल साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले फैजल नहीं है, लेकिन उनका खून तो खौल रहा होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने बहुत कोशिश करी, बल्कि डकवर्थ लुईस के हिसाब से कट ऑफ से ज्यादा ही रन बना लिए थे। लेकिन अरमानों पर पानी फिरना, ये वाला मुहावरा हिंदी साहित्य में बना ही साउथ अफ्रीका के लिए है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनके बैठे बिठाए 2 पॉइंट्स की मौत पानी में डूबने की वजह से हो गई। वैसे तो आईसीसी का काम पूरी दुनिया में क्रिकेट को फैलाना है, लेकिन कोई है वहां जिसको साउथ अफ्रीका वालों से कोई खास चिढ़ है? वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि डकवर्थ लुईस नियम का शिकार कोई और टीम बने ना बने, साउथ अफ्रीका जरूर बनती है। खैर, जिम्बाब्वे वाला मैच धुल जाने के बावजूद साउथ अफ्रीका स्ट्रांग पोजीशन में है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में नेट रन रेट की वजह से बाहर हो जाने वाली साउथ अफ्रीका की टीम अब की बार उस मोर्चे पर भी कमाल कर रही है, और इसीलिए बांग्लादेश को उन्होंने मैच में ऐसे आउट क्लास किया था जैसे दूध में से मक्खी निकालकर बाहर फेंकी जाती है। क्विंटन डिकॉक, रिली रूसो, डेविड मिलर, लुंगी इंगिडी, ऑनिक नारकिया, केशव महाराज सबके सब फॉर्म में, सिवाय तेम्बा बवुमा के। लेकिन फिर बवुमा को क्या ब्लेम दे? इस वर्ल्ड कप में हर कप्तान को नजर लगी हुई है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के फिंच हो या पाकिस्तान के बाबर आजम, श्रीलंका के शानका हो या फिर इंग्लैंड के जॉस बटलर। ये वर्ल्ड कप सभी कप्तानों के लिए पनौती बन के आया है। लेकिन हेलो, खाली किस्मत से ही थोड़ी ना सब कुछ होता है। स्किल हो तो पनौती भी जीत में बदल जाती है बॉस। इसलिए अपने स्किल को यूज करो और iPhone 14 जीतने का मौका पाओ। करना बस इतना है आपको कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना है। फिर आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की टीम बनानी है, और बस iPhone के साथ साथ महिंद्रा थार जीतने का मौका आपका हो सकता है। बाकी 1500 का ज्वाइनिंग बोनस तो अपने घर ले ही जाओगे अगर डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करोगे तो जल्दी से कर लो। फिलहाल बात करते हैं टीम इंडिया की। देखो, हमने कप्तान वाली बात बताई है, आपको एकदम सही बताई है। कल भी ना तो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन चले और नहीं श्रीलंका के शानका। उस हिसाब से देखो तो हमारे रोहित भैया ने नीदरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी लगाई थी, बाकियों से तो बेहतर ही कर रहे हैं। लेकिन तेरा खून कब खोलेगा रे राहुल? देखो, मौका भी है, दस्तूर भी है राहुल भैया, चल जाओ, ना जाने कितने लोगों के मुंह पर जिप लग जाएगी, फिर कोई सुनील शेट्टी वाले जोक्स नहीं मारेगा। मारने से याद आया, अगर कोहली इस इनिंग में 28 रन मार देते हैं तो T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। आए नजर ना लग जाए हमारे चीकू भैया को। सभी लोग टीवी पर काला टीका लगाकर मैच देखना। बाकी गेंदबाजों की यूनिट तो भैया हमारी अभी तक कमाल कर रही है, वहां तो कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। हाँ, एक बदलाव आपको नजर आ सकता है। आज 152 करोड़ लोग हिंदुस्तान की जीत की दुआ करेंगे। एक सेकंड, 152 कैसे? 130 करोड़ तो अपने वाले और 22 करोड़ पाकिस्तान की आवाम भी जय हिंद और वंदे मातरम के नारे लगाएगी। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरनेट पर कई सारे इंडियन बाबर आजम के सपोर्ट में और शोएब अख्तर, शोएब मलिक जैसे लोगों के विरोध में आ गए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इंडिया की जीत पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में बनाए रखेगी। अगर साउथ अफ्रीका इंडिया से जीत गया तो फिर पाकिस्तान का कराची वाला बोर्डिंग पास छप जाएगा। उनका छपे ना छपे, अगर आप चाहते हो कि आपके नाम के आगे आईफोन विनर और महिंद्रा थार का मालिक ये लग जाए, ये छप जाए, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। प्राइजेस की भरमार है, खूब सारे कैश प्राइज भी जीत सकते हो। आइए पहले आपको टीम बनाकर बता देता हूं मेरी माई 11 सर्कल ऐप वाली टीम। विकेट कीपर बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं क्विंटन डिकॉक, बैटिंग करेंगे केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रिली रूसो और मार्करम। ऑलराउंडर होने वाले हार्दिक पंड्या, गेंदबाजी करेंगे रबाड़ा, मोहम्मद शमी, हर्षदीप सिंह और नौरकिया। कैप्टन बना रहा हूं मैं सूर्य कुमार यादव को, जबकि उपकप्तान है क्विंटन डिकॉक। आप भी चाहते हो 1 रुपया इन्वेस्ट करके आईफोन 14 जीतना तो अभी के अभी माई 11 सर्कल ऐप का गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, लेकिन उससे पहले इस ऐप को डाउनलोड करो। लेकिन याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी आज हमसे रात को मिलो इस मैच का पूरा हाल चाल और बवाल लेकर। उम्मीद करते हैं टीम इंडिया जीतेगी और उस जीत की खुशी में हम बढ़िया वीडियो आपके लिए लाएगी। जाने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरा सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, ठीक है? अगर अब तक नहीं दबाया तो, और कमेंट करके बताना कि टीम इंडिया से आपको क्या उम्मीद है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन हो सकता है और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपना नाम भी लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शाम को मिलते हैं। जय हिंद। चलो गाइस, आज की वीडियो खत्म हो गई। आपको क्या लगता है, इंडिया जीतेगी कि साउथ अफ्रीका? कमेंट में बताओ, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जाओ।